तो वो कौमें जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करते हैं, आप आज की दुनिया में देख लें, वो कौमें बहुत आगे हैं। और जिन लोगों ने अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं की, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तरक्की के बहुत से तरक्की के जो मनाजिल हैं, ये तय करने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट दें। हाँ, टीचर को भी, जैसे नुमान साहब ने बात की, टीचर को भी अपने किरदार से ये साबित करना चाहिए कि वो टीचर है, क्योंकि टीचर के ज़िम्मे सिर्फ तालीम नहीं है बल्कि तरबियत और तालीम, ये दोनों चीज़ें जो हैं, तालीम और तरबियत कहा जाता है, तो तरबियत भी उसी तरह ही अहम है जिस तरह के तालीम अहम है। तो अगर हम अपने असातिज़ा को इज़्ज़त देंगे, अगर हम उनका ख्याल रखेंगे, तो जो हमारी आने वाली नस्ल है, ये फिर अक़वाम आलम में अपना एक मकाम जो है ये पैदा कर सकेगी। डॉक्टर वसीम अकबर शेख साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे टीचर जो हैं वो स्किल्स पे तवज्जो नहीं देते। तो ये जो इरा है, ये 21st सेंचुरी, इसकी डिमांड्स ये है कि नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स की स्किल्स और एटीट्यूड को भी डेवलप कर ले। और ये जो सेंचुरी है, ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन की नहीं है, ये क्रिएशन की है, ये काम करने की सेंचुरी है, प्रैक्टिकल वर्क की सेंचुरी है। तो नॉलेज के साथ साथ टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स में स्किल्स और उसके जो बिहेवियर है उसके बारे में भी सोचे, एटीट्यूड के बारे में भी सोचे कि हाँ, स्कूल से या यूनिवर्सिटी से पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाएं। जहाँ तक आपने बात की स्टूडेंट्स की, ये तो ये जो इल्म है या एजुकेशन है या नॉलेज आप उसे कहते हैं, स्टूडेंट्स की और वालिदैन की भी ये बड़ी ख्वाहिश होती है, और ये अभी तक है स्टूडेंट्स में कि हम नॉलेज गेन कर ले। हम जो सर सामने